जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, और पाकिस्तान से हैं वसीम अल्ताफ साहब, और हिंदुस्तान से मेजर जनरल अश्विनी सिवाज। दोनों को ही आप लगातार हमारे चैनल पर देखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 1965 की जो जंग थी उसको लेकर कई सारे पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये जंग हमने नहीं छेड़ी और ये जंग हमने जीती। भारत का पर्सपेक्टिव है कि भारत ने ये जंग जीती, और जो एक्चुअली करेक्ट भी है। लेकिन सबसे पहले मैं वसीम साहब से इस पे ये जानना चाहूंगी सर, क्योंकि भारत तो इस जंग को लेकर एकदम क्लियर है और सबको पता है कि इस जंग में क्या हुआ भारत के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर जानना चाहे तो वसीम साहब, 1965 की जंग को लेकर पाकिस्तान में क्या बताया जाता है कि जंग किसने शुरू की, क्या हुआ इस जंग का अंजाम? जी, पाकिस्तान का जी एक ऑफिशियल नैरेटिव है, और वो ये है कि 5 और 6 सितंबर 1965 की दरमियानी रात को हम बड़े सुकून से सोए हुए थे और भारत ने अचानक हमला कर दिया, और हमारी जो मुसल्ला फौज थी उन्होंने बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया और 17 दिन जंग रही और हम जंग जीत गए और भारत जंग हार गया। अब ये जो ऑफिशियल नैरेटिव है इसमें जो रन ऑफ कच्छ में मार्च अप्रैल में हुआ था, जो हमारी इंकर्शंस थी, हमने कुछ वहाँ पे कुछ आउटपोस्ट्स थी जिनको कैप्चर कर लिया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें जो 5 अगस्त को ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें 1 सितंबर 1965 को जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। ये जंग शुरू करते हैं 6 सितंबर से भारतीय हमले से, और उसके बाद फिर ये 17 दिन में जो कुछ हुआ उसके हवाले से कहानियां हैं, फेबल्स हैं, फेरी टेल्स हैं, फैंटसीज हैं जो आवाम को बताई जाती हैं। इसको बकायदा तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, फंक्शंस होते हैं, गाने होते हैं, ड्रामे होते हैं, और उसके बाद पहले तो छुट्टी भी होती थी, अब छुट्टी ख़त्म कर दी है, और उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया और मुल्क को भारतीय जारहियत से बचाया। ये तो है सरकारी बयान, ये तो है सरकारी नैरेटिव। अब हकीकत में क्या हुआ था वो आपको पता है कि ये पहले ये इन्होंने रन ऑफ कच्छ में इनकर्शंस की थी, उसके बाद फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ 5 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन शुरू किया गया, और फिर उसके बाद इंडिया ने जब ये ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें रेगुलर जो ट्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, तो फिर इंडिया भी अपनी रेगुलर आर्मी ले आया और कश्मीर सेक्टर में जो एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया था इंडियन आर्मी के लिए उसको रिलीव करने के लिए उन्होंने लाहौर पे जो उनकी 11 कोर है उसने 3-pronged अटैक लॉन्च किया। जी अंबर। जी बिल्कुल, और अगर व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले सवाल और ये सवाल जो वसीम साहब से किया वो इसीलिए किया क्योंकि पूरे इस जंग का जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान साइड ऑफ द स्टोरी है, वो मैं यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहती थी ताकि मैं जो भारत के फैक्ट्स हैं वो मैं सिवाज सर से सुन सकूँ। सर, आपने वसीम साहब से पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव जाना, उन्होंने फैक्ट्स भी स्टेट किए जो कि सच है, भारत जो हमेशा फैक्ट सेट करता है। लेकिन सर, अगर हम 1965 के जंग की बात करें तो क्या 6 सितंबर को ये जंग स्टार्ट हुई थी या उससे पहले भी जो कुछ हुआ था उस पर आप बता पाए कि कैसे कैसे ये जंग यहाँ तक आई? हाँ बिल्कुल, देखो ये पहले हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि जम्मू और कश्मीर में काफी हद तक लोग जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में, तो उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर करेंगे, कुछ हम कबीले भेजेंगे, पाकिस्तान की फौज भेजेंगे, जो भारतीय वहाँ पर हैं वो कश्मीरी वो हमारा साथ देंगे और हम इस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को जीत लेंगे। ये नैरेटिव के साथ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर, और ये जो अयूब खान को बताया गया था कि ये बहुत आसान होगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा।
जैसे ही कबीले और बाकी पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुसी थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो जो लोग थे उन्होंने इमीडिएटली भारत की फौज को बताया गया। वहां पर बहुत ज्यादा आपस में मुठभेड़ हुई, काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। इसके बाद जो लड़ाई जम्मू एंड कश्मीर में फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी अखनूर की तरफ, जो अखनूर सेक्टर था उस पर प्रेशर पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। और उस समय पाकिस्तान ने यह सोचा था कि ये लड़ाई जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में ही रहेगी, ये जो लड़ाई है ये इस लड़ाई का आगे नहीं बढ़ाएगा भारत, ऐसा पाकिस्तान सोचता रहा। मगर ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब प्रेशर आ रहा था अखनूर पे, तो जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम बता रहे हैं वासिम साहब, वो ऐसा हुआ तो भारत ने तीन प्रोंग अटैक से शालकोट और लाहौर की तरफ हमला किया। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने इसके बारे में अप्रिशिएशन नहीं की थी और भारत काफी अंदर घुस गया, लाहौर तक चला गया। अब पॉइंट आता है कि जब इतने तैयार थे और चले गए तो लाहौर क्यों क्यों नहीं कब्जा किया, उसके अंदर हिस्टोरियन अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि इतनी हमारे पास फोर्स लेवल नहीं थी कि जो हम कि अगर लाहौर को कैप्चर करें तो उसको होल्ड नहीं कर सकते। मगर ये सच्चाई है, इस लड़ाई के अंदर जब ये 17 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हुई तो उस समय भारत ने करीब करीब 1800 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीता था और पाकिस्तान ने करीब करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीता। तो ये असलियत है जो कि पाकिस्तान में नहीं बताई जाती, कि पाकिस्तान जो है वो ये बताता नहीं है कि ये लड़ाई पाकिस्तान ने स्टार्ट की, इन्होंने ऑपरेशन जिबाल्टर किया जो फेल हुआ कम्प्लीटली, और भारत ने उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि प्रेशर हटाने के लिए बात ठीक है, काउंटर अटैक किया लाहौर और शालकोट में। हमने 1800 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीता लाहौर में भी, शालकोट के अंदर भी और बाकी जो पंजाब के इलाके में। अब बात आती कच्छ वाली, ये जो कच्छ वाली थी, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जो रन ऑफ कच्छ है उसका में भी अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो एक डिस्प्यूटेड इलाका है, और वहां पर अप्रैल में पाकिस्तान ने की कुछ फौजों ने हमला किया था, और उस समय जो आपकी सीआरपीएफ और हमारी गुजरात पुलिस थी उन्होंने इसको एक प्रकार रिपेल किया और चार जो प्रिजनर ले लिए थे पाकिस्तान के और 34 को मार गिराया था। तो कोई पोस्ट वहां पर कैप्चर नहीं हुई थी, बल्कि सारी पोस्टें वापस भारत की भारत में रही हैं। और यही नहीं कि चार जो प्रिजनर भी बनाए पाकिस्तानी सोल्जर्स को और 34 के करीब जो है वो मारे भी गए। तो सच्चाई यह है जो पाकिस्तान और भारत की 1965 की लड़ाई हुई थी उसमें तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जिबाल्टर जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, इस मकसद से किया था कि हम जब जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो लोग हमारा साथ देंगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद हमने जब है ऑपरेशन जो किया एक प्रकार से वो शालकोट और लाहौर में, उसका मकसद था कि जो प्रेशर कम करना जो अखनूर सेक्टर के अंदर आया था, और 17 दिन के बाद ये लड़ाई जो है इसको रूस के और अमेरिका का भी कुछ प्रेशर से खत्म हुई। इसके अंदर जो हथियार थे वो काफी दिए गए थे अमेरिका और यूके ने जो पाकिस्तान को, इसमें भी कोई शक नहीं है, इनके पास हथियार थे। मगर इसके बावजूद भारत ने जिस प्रकार से आपको पता ही है कि इस लड़ाई के अंदर विजय प्राप्त की और भारत ने 1800 किलोमीटर का इलाका जीता, और ये लड़ाई भारत ने स्टार्ट नहीं की, ये पाकिस्तान ने की थी। जय जी जी बिल्कुल। वसीम साहब, जैसे कि हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि किसने लड़ाई शुरू की थी और किसने जंग हारी और किसने जीती, लेकिन कहा यह जाता है, कई सारे रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं कि याहिया खान के जो थे वो इस जंग के फेवर में नहीं थे, जबकि उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे भुट्टो, उनके दबाव में आकर उन्होंने इस जंग के लिए हामी भरी और उस जंग उसके पीछे की वजह वो बताए जाते हैं, और कई सारे उसके रीजन थे जो भुट्टो जो मानते थे। एक तो ये कि उनको लगता था कि उनके पास, जैसे कि अश्विनी शिवाज सर ने भी बताया कि अमेरिका ने एकदम जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान को दिए थे, उनके पास वो हथियार थे, और एक और वजह ये थी कि तभी के तभी इंडिया और चाइना की जंग हुई थी और उसमें जंग हारे थे, और तीसरा एक सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये कि मजहब, जिसमें भुट्टो को लगता था
कि जो हिंदू है वो मुसलमानों से जंग नहीं जीत सकते, और इसके बाद नारेबाजी भी हुई थी कि नाश्ता हम करेंगे लाहौर में और लंच होगा जलंधर में और डिनर होगा दिल्ली में। सर डिनर तो नहीं हो पाया। आप भुट्टो के रोल के बारे में पूछ रही हैं? जी देखिए, भुट्टो जो है ना, भुट्टो का जो रोल था ना, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें मिलती है। पहली बात तो ये कि ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ कश्मीर कॉज, वो अक्सर इसका जिक्र करते रहते थे। फिर जो इक्विपमेंट आ रहा था वेस्ट से, अमेरिकन ब्रिटिश, वो उसमें उनका रोल था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इक्विप करना है, मॉडर्न हमने वेपनरी जो है वो इंडक्ट करनी है, उसमें भी था। फिर तीसरा ये था कि वो वॉर कैबिनेट का हिस्सा भी थे भुट्टो जो थे, और उसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर को सपोर्ट भी किया था भुट्टो ने। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भुट्टो बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिन्होंने इस सारे मामले में एक रोल प्ले किया। ही वॉज द फॉरन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बल्कि ये भी कहा जाता है कि 4 सितंबर 1965 को जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे दिल्ली में मियां अरशद हुसैन, उन्होंने एक साइफर भेजा अयूब खान के लिए जिसमें लिखा था, बल्कि फॉरेन ऑफिस में भेजा उन्होंने, जिसमें लिखा था कि इंडिया 6 सितंबर को अटैक कर सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि वो जो साइफर था उसको भुट्टो ने और अजीज अहमद ने, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसको छुपा दिया और अयूब खान को इन्फॉर्म नहीं किया इस हवाले से। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था प्रेसिडेंट को। तो भुट्टो का रोल तो है जी बिल्कुल इसमें, लेकिन सिर्फ भुट्टो का रोल नहीं है इसमें। देखिए, भुट्टो वॉज दी फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उसमें आपका जो अयूब खान था उस वक्त जो प्रेसिडेंट था, उसका इसमें रोल है। जनरल मूसा खान था, ठीक है, पूरी एक वॉर कैबिनेट थी, उसमें और भी बहुत से लोग थे। तो ये कलेक्टिव डिसीजन था, इसमें किसी एक बंदे का रोल नहीं था, बहुत से लोगों का रोल था। जी अम्बर जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी सिवाज सर कि पाकिस्तान आर्मी ने तो नारा लगाया था कि नाश्ता करेंगे लाहौर में और डिनर जलंधर, सॉरी लंच जलंधर में और डिनर दिल्ली में होगा, इंडियन आर्मी ने डिनर कहाँ किया, आप जरा बता दें सर। देखो ये अंबर, ये बात सच्चाई है कि वासिम साहब ने भी कुछ बताया और आपने भी ऐड किया कि इसके रीजन क्या थे, क्यों ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान किया। ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं 3 चीजें सोची थी कि जम्मू और कश्मीर में लोग जो हैं वो उनके साथ आएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने, ये भी बात सच है, 1962 में इंडो चाइना युद्ध के अंदर भारत ने अच्छा नहीं किया था, वो भी उनको लगता था कि शायद भारत की फौज का मोराल डाउन होगा। वो 1962 के बाद 1965 तक भारत की फौज बहुत संभल चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं। और तीसरा जो मेन मुद्दा, जो जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि हथियार जो उनको मिले हैं, मॉडर्न हथियार यूके और यूएस से, उसको बनस्पत भारत के पास ऐसे अच्छे हथियार नहीं थे। जैसे नेट था हमारे पास, उसने बहुत किया, इनके पैटर्न टैंक वगैरह थे, मगर भारत के जो टैंक्स थे और जो छोटे एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये सच्चाई है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे ऑपरेशन प्लान हुआ था। मगर जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, जब भारत ने 6 सितंबर को एक सियालकोट और लाहौर की तरफ काउंटर अटैक कर दिया एक प्रकार से, वो पाकिस्तान बिल्कुल सरप्राइज हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, पाकिस्तान ये सोचता रहा था कि भारत इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रखेगा और उसकी इतनी गर्त नहीं है कि खोलेगा। तो ये सारा उल्टा नैरेटिव प्रूव होगा कि ये सारे नैरेटिव क्या प्रूव हुए, जम्मू कश्मीर में लोग आए वो भारत की फौज के साथ थे, उन्होंने बताया। ये भी प्रूव हो गया कि जो भारत की जो फौज थी वो 62 के युद्ध के बाद 65 में बहुत ज्यादा उनके हौसले बुलंद थे, बहुत अच्छा लड़े। जो हथियार पाकिस्तान को मिले थे अमेरिका से स्पेशली और यूके से, उनका कोई खास फर्क नहीं हुआ कि भारत के पास जो भी टैंक और हमारे पास एयरक्राफ्ट थे उनके साथ भारत बहुत अच्छी तरीके से लड़ा। तो ये जो थ्योरी थी ये बिल्कुल फेल हुई 65 में। और जिस प्रकार से ये लड़ाई अब कहते हैं कि इतनी बंद क्यों हुई या आगे भी चल सकती थी, क्योंकि प्रेशर था उस समय, यूएस का भी था और रूस का भी प्रेशर था, दोनों देशों पे इस लड़ाई को बंद किया जाए और फिर
ताशकंद के अंदर बातचीत हुई। अब अगर मैं ये बात कहूं अंबर, इसको आप 2-2 पर स्कोर करें, ये बात हुई, उसके बाद 1971 की लड़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं, 90,000 के करीब प्रिजनर जो हैं वो बांग्लादेश बना और वो वहां पर सरेंडर किया। 99 की लड़ाई में आज तक कभी भी ये पाकिस्तान नहीं मान रहा था कि वहां पर उनकी रेगुलर जो जवान थे इसके अंदर, वो हरदम बोलते थे हम मुजाहिदीन थे। आज जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिशियली अपने आर्मी डे पे बताया है कि वहां पर भारत की के अगेंस्ट जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान की फौज भी थी। तो ये आप देख लें, और उसमें दुख की बात ये है एज अ सोल्जर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की फौज ने अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर दिया, और वो कह रहे थे कि ये तो हमारी है ही नहीं क्योंकि हमारे फौज तो इसमें लड़े नहीं, और जबकि वो NLI के जवान थे। तो उनकी जो अंतिम संस्कार जिस प्रकार से आज मुस्लिम राइट्स करते हैं वो भारत ने किया, तो ये कोई इंसानियत नहीं है कि जो पाकिस्तान ने की, वो अलग बात है। आज जनरल आसिम मुनीर ने इस बात को माना कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो कारगिल की लड़ाई में थी। अंबर अच्छा जी, मैं आपने जो सवाल किया कि आपने कहां पे डिनर किया, तो वो थोड़ा सा मैं भी इसका जवाब दे दूं। देखिए इंडियन आर्मी जो थी ना, इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई थी। इंडियन आर्मी जो एक प्रोफेशनल आर्मी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो इंडियन आर्मी की परफॉर्मेंस रही वो कोई बहुत ज़्यादा एनवीएबल नहीं रही। मिसाल के तौर पे लाहौर में ये काफ़ी आगे तक आ गए, लाहौर एयरपोर्ट जो था वो इंडियन आर्टिलरी गन्स की रेंज में था, और ये फिर इन्होंने आगे फर्दर एडवांस नहीं किया और वहीं से वो वापस चले गए। सियालकोट सेक्टर में इन्होंने स्ट्राइक कोर जो है स्ट्राइक कोर लॉन्च की, स्ट्राइक कोर की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। आर्मर्ड डिवीजन था, अब आर्मर्ड डिवीजन जो है वो उसको आउट फ्लैंक करना चाहिए था, वो फ्रंटल अटैक्स कर रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अब ठीक है चविंडा में चविंडा तक आ गए, लेकिन इसके बावजूद मतलब ये कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो एक आर्मर्ड डिवीजन जो एक नेशनल एसेट होता है वो ठीक नहीं रही। एयरफोर्स में पाकिस्तान को वाजे तौर पे सुपीरियरिटी रही जो एयर। अब आपको मैं बताऊं कि 1992 में जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो कि एनालिसिस है 1965 की वॉर का, जिसमें एक उनके ACM जो थे एयर चीफ मार्शल PC लाल, उन्होंने कहा है कि जनरल चौधरी के जो बैटल प्लान्स थे उनमें इंडियन एयर फोर्स का रोल ही कोई नहीं था। यानी इंडियन एयर फोर्स जो थी वो ऑर्डर ऑफ बैटल में थी ही नहीं। तो अब आप देखें ना, ये चीज़ें थी। यानी ज़ाती तौर पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि या मेरी तवक्कुआत ये रही कि भाई इंडियन आर्मी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी चाहिए थी, प्योरली मिलिटरीली एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। लाहौर सेक्टर में भी उनको एडवांस करना चाहिए था आगे, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद सियालकोट सेक्टर में चविंडा में पूरे आर्मर्ड डिवीजन को, जो इंडियन 6th आर्मर्ड डिवीजन था उसको एक कैवलरी रेजिमेंट ने रोक लिया था, 25 कैवलरी ने। हालांकि एक पूरा आर्मर डिवीजन है, एक स्ट्राइक कोर आ रही है आपकी, वन कोर है इंडियन वन कोर, तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जी, ये मेरा ख्याल है जी। सर सिवाज सर, जो वसीम साहब ने सवाल उठाए उन पे आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो अंबर एक चीज समझनी पड़ेगी कि लड़ाई के बाद तो आप बहुत बातें बोल सकते हैं, जब वहां पर हालात थे जिस प्रकार के, आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था अखनूर सेक्टर में, आपको प्रेशर उसको रिड्यूस करना था, और जो हमला भारत ने किया सियालकोट और लाहौर की तरफ, तो पाकिस्तान की फौज बिल्कुल सरप्राइज थी। मगर ये भी समझे आप, अटैकर और डिफेंडर में 3 गुना का फर्क होता है, और आप अगर इतने अंदर चले जाएं कि आपका जो लॉजिस्टिक को कट कर दिया जाए तो आप लड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आर्मर कॉलम भी आपको बाउंड टू बाउंड जाना है, अगर ज्यादा अंदर घुस गए और फिर आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कट कर दिया तो बड़ा मुश्किल होगा। ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत की फौज वहां लड़ी है
वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है, बड़े सिस्टमेटिकली गए हैं। क्योंकि अगर वो एडवांस करते, अगर आप, मैं मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई का, रूस की ताकत को देखते हुए हमने सब ने सोचा था कि यूक्रेन को वो 10 दिन के अंदर पूरा जीत लेगा, मगर वो जब कीव के अंदर गया और कीव के अंदर चला तो गया आर्मर डिवीजन लेके अपनी, उसके बाद जिस प्रकार से यूक्रेन ने उसको चुन चुन के मारा, वो रिकॉइल किया। तो ये सच्चाई है कि जो क्लाउड होते हैं लड़ाई के, उस समय काफी चीजें फॉग होती हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत की फौज 65 में लड़ी है वो काबिले तारीफ है। इसके बावजूद कि हमारे पास हथियार इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, यूएस यूके ने जो पाकिस्तान के हथियार बहुत ही ज्यादा अच्छे थे उनको ज्यादा वो मिले हुए थे, और ये भी सच्चाई है कि हम एक प्रकार से बाउंड टू बाउंड के डिफेंसिव के हिसाब से सियालकोट और हमने लाहौर को थ्रेटन किया। वो बार बार ये बात आती क्यों लाहौर नहीं पकड़ा, वो उसकी वजह यही थी कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं थी उस समय भी, क्योंकि अखनूर में भी लड़ाई चल रही थी, कि हम उसको होल्ड कर सकते। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि लाहौर के अंदर नहीं घुसे। तो ये जो कुछ बात हुई है ये याद रखना चाहिए, अटैकर वर्सेस डिफेंडर, अटैकर की जो है 5 से 6 गुना एक प्रकार स्ट्रेंथ होनी चाहिए डिफेंडर के, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की जो टैंक्स थे वो भी मॉडर्न थे, वो भी लड़ते। तो सच्चाई यह है कि काफी ऐसी लड़ाई हैं जो काबिले तारीफ है, भारत की तरफ से बहुत अच्छी लड़ी गई हैं, और वो अभी भी हमारे स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाई जाती है। तो मैं ये कहूंगा अगर आप लड़ाई को देखें फ्रॉम कच्छ से जो अप्रैल में स्टार्ट हुई, फिर जिब्राल्टर जो स्टार्ट किया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, भारत इसके अंदर बिल्कुल विजयी रहा, इसमें कोई शक नहीं। 1800 किलोमीटर के करीब का इलाका भारत ने इसका जीता, जबकि 500 के करीब किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने जीता। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जो एम के साथ पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान बिल्कुल फेल हुआ, पाकिस्तान ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, ऑपरेशन गिब्राल्टर बिल्कुल टोटली फेल कोलैप्स हो गया, और इसी प्रकार से ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में भी उनको काफी हद तक जो है जो हार का सहनी पड़ी। और ये सच्चाई है कि इस लड़ाई के अंदर दोनों देशों ने सीखा, ये मैं इससे कोई नहीं मानता, क्योंकि लड़ाई में हर पहलू को सीखा जाता है, बट ओवरऑल दिस वाज अ डिफीट टू पाकिस्तान एंड अ विक्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द रीजन बीइंग पाकिस्तान फेल्ड इन इट्स स्टेटेड एम, जो जिस एम को लेके आया था, क्योंकि लड़ाई तो स्टार्ट पाकिस्तान ने की थी, भारत ने स्टार्ट नहीं की। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपने हिसाब से इस लड़ाई को शुरू किया था, ये सोच के कि हो सकता है भारत की फौज अनप्रिपेयर्ड होंगी, इनके वेपन्स अच्छे नहीं होंगे, मोरल डाउन होगा, शायद इनके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। अंबर अच्छा जी, इसमें एक चीज ऐड करूं, 22 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जो थे उन्होंने जनरल चौधरी से पूछा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है सीज फायर के लिए, तो क्या हम आप मुझे बता सकती हैं कि हम कितनी देर में डिसाइसिव विक्ट्री हासिल कर सकेंगे, आपकी क्या, आपका स्टेटस क्या है, हमारी ट्रुप्स का क्या स्टेटस है, हमारा जो इक्विपमेंट है उसका क्या स्टेटस है। तो जनरल चौधरी ने कहा कि जी बात यह है कि हमारा तो एम्यूनिशन सारा कंज्यूम हो गया है। उस पे फिर वो उन्होंने कहा ठीक है फिर सीज फायर कर लेते हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि इंडिया के पास 80% इक्विपमेंट और एम्यूनिशन जो था वो अभी मौजूद था, तो इस वजह से वो जल्दी सीज फायर हो गया, अदरवाइज फिर इट कुड हैव बीन कंटिन्यूड। पाकिस्तान का अलबत्ता सिर्फ 14% रह गया था, और अगर चंद दिन और जंग रहती तो फिर वो डिसाइसिव विक्ट्री हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली द वॉर एंडेड इन अ स्टेलमेट, यानी कोई उस तरह हम नहीं कह सकते कि कोई विक्ट्री थी। बहरहाल ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वो कश्मीर लेना, वो तो हम हासिल नहीं कर सके, तो इस लिहाज से तो फिर ठीक है हम नहीं जीत सके, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि फाइनली इट एंडेड इन अ स्टेलमेट, यानी डिसाइसिव विक्ट्री जिसको कहते हैं ना वो एज सच नहीं हो सकी किसी भी तरह। यानी इवन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जो अमेरिकन एनालिस्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि इट एंडेड इन अ स्टेलमेट। जी अंबर वसीम साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं,
जी आप सिवाज सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अमर मैं तो ये कह रहा था कि जो बात वासिम साहब ने बोली कि उस समय जन चौधरी को बुला के पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर ने कि आपके पास मनुष्य, देखो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि कई चीजें होती हैं। आपका आर्मर्ड रेजिमेंट और आर्मर्ड डिवीजन तैयार हैं, उनका अम्यूनिशन कितना है, ये चीजें लड़ाई के अंदर हर चीज को सोचा समझा जाता है। मगर उस तक भारत बहुत कुछ जीत चुका था और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रेशर था उस समय यूएस और रूस का, वो नहीं चाहते थे। ये पहली बार है जो कि यूएस और रूस एक ही पेज पे थे, वो इस लड़ाई को नहीं आगे लेना चाहते थे और वो दोनों देश पे प्रेशर था क्योंकि भारत जीत रहा था, तो भारत पे ज्यादा प्रेशर था। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ये सीज फायर के लिए माने गए, मगर ये सच्चाई है कि भारत की तरफ से ये क्लियर कट विक्ट्री है। जिस प्रकार से भारत ने यह हमला नहीं किया, इसके बावजूद भारत काफी 1800 से ज्यादा का इलाका जीता और भारत ने जो एम था पाकिस्तान को उसको नकारा किया और जिस प्रकार से लड़ाई लड़े हैं भारतीय जवान, मुझे लगता है वो काबिले तारीफ थी। अंबर एब्सोल्युटली। वसीम साहब एक सवाल आपके लिए मेरे पास है। जैसे कि हम सब जानते हैं और शिवाज सर ने भी ये बात लगातार कही कि जो भुट्टो है उनको लगता था कि जो कश्मीरी है वो हमारे हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर होगा तो कश्मीरी जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में आएंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ तो लोकल्स ने साथ देना तो दूर बल्कि उन लोगों को पकड़वाया। हम बात करें करगिल की तो करगिल में भी लोकल्स ने इसी तरह से पकड़वाया और कश्मीर में आतंकवाद को हम लगातार देखें, जिस तरह से चाहे हम 65 से लेके 2024 तक की बात कर लेते हैं, लगातार जो लोकल्स हैं वो आतंकवाद के अगेंस्ट रहे और आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद करते आए हैं। बावजूद इसके भी पाकिस्तान जो है अब तक सबक नहीं सीख पाया है। सबक क्यों नहीं सीख पा रहा है, सब क्या परेशानी है? देखिए बात यह है, सबक का जहां तक तल्लक है वो ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैं समझता हूँ ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए, उनको वाइज होना चाहिए, उनको ग्राउंड रियलिटीज को समझना चाहिए, उनको नेशनल प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एक मुल्क जो है उसमें कौन से ऐसे एरियाज हैं। यानी देखिए मैं समझता हूँ कि आप एक मुल्क को, मुल्क के नौजवानों को एजुकेट करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बजाय इसके कि आप अल खालिद टैंक्स बनाएं। मेरा तो ये मानना है आपके पास मिनिमल डिटेरेंस तो होना चाहिए, ठीक है ना, हर मुल्कों के पास होनी चाहिए, फौज होनी चाहिए, इसको तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो इस तरह के जो इश्यूज हैं जैसे मसलन कश्मीर है, इसके हवाले से हमें, मैं बिल्कुल इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हमारी अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए, हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए। 70 साल हो गए हैं ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, वायलेंस के जरिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसको पीसफुल मींस के जरिए, नेगोशिएशंस के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए, ट्रेड रिलेशंस बना के हमारे और दूसरे जो एरियाज हैं जिनमें कोऑपरेशन हो सकती है उनको इस्तेमाल करके हम, मेरा ख्याल है कि ये इशू जो भी है ये तय हो सकता है। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंडियन साइड पे भी लचक होनी चाहिए इस हवाले से कि वो भी थोड़ा सा, मतलब बजाय ये कहने के जी हमने बिल्कुल बात नहीं करनी और कुछ नहीं कहना और बिल्कुल डोर्स क्लोज हो गए, क्लोज ना करें, बल्कि मेरा ख्याल है क्लोज कभी भी नहीं करने चाहिए, बिल बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, मसले बैठ के हल करने चाहिए और ट्रेड रिलेशंस जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि कंट्रीज विच एक्सचेंज गुड्स डू नॉट एक्सचेंज बुलेट्स। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अगर हम इन लाइनों पे चलें और बेहतरी लाएं, ट्रेड रिलेशंस बनाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसले हल होंगे। जी अमर सवाल सर, आप जो वसीम साहब ने सवाल उठाया भारत के स्टांस को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखो अंबर, दो तीन बातें। देखो सच्चाई है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें
जब तक वो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बंद नहीं करेंगे तब तक तो बातचीत मेरे को लगता नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट हैं उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान उसको डिनायल मोड पे तो रह नहीं सकता, ये समझना चाहिए। यही नहीं, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वही जो सांप है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान बन के वो पाकिस्तान को भी डर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो आतंकवाद किसी चीज का सलूशन नहीं है, ये हमें समझना चाहिए और ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि लश्करे तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी आप अगर उनको ट्रेन करेंगे भारत में भेजेंगे तो फिर आप सोचेंगे भारत बातचीत करेगा, मुझे लगता नहीं इस गवर्नमेंट के साथ ऐसा होने वाला है। अब दूसरा पॉइंट रहता पाकिस्तान का, देखो ये सच्चाई है कि आप दो तीन चीजें देखें पाकिस्तान में, 1960 तक पाकिस्तान की जीडीपी अच्छी थी और उस समय पाकिस्तान अच्छा क्योंकि पाकिस्तान की एगेरियन बेस जो इकोनॉमी है वो अच्छी है क्योंकि पांच नदियां जा रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है। मगर जब से ये आतंकवाद के अंदर चले गए तो आज पाकिस्तान के हालात देखें क्या है, आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बहुत बढ़ गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है बलूचिस्तान में है। तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान को खुद झांक के देखना है। वो बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था और उसकी इकोनॉमी एज ए ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बहुत कमजोर थी, आज वो कहां से कहां निकल गए। तो ये मुझे लगता है, अब आप कहेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो दखल अंदाज देती है पाकिस्तान को रूल करने में। किसी भी फौज का काम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना नहीं है, वो एक कन्वेंशन वारफेयर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई जाती है अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हो कह रहा है जो पाकिस्तान में, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है और असली पावर जो वहां पर इस्लामाबाद नहीं, वहां पर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में एक फौजी फाउंडेशन है जो कि $62 बिलियन का इकोनॉमी चलाती है। वो कहते हैं कि कोलगेट से लेके सीमेंट तक, रियल स्टेट से लेके बैंक, ये फौजी फाउंडेशन चलाता है। तो सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान की फौज इंटरफेयर करना बंद कर दे और एक प्रकार से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आए, जो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने नहीं देते। पहले पिछली बार जब इलेक्शन हुए तो फायदा हुआ था इमरान खान की पीटीआई को, वो सिलेक्टेड नहीं था, इलेक्टेड नहीं था, वो सिलेक्टेड था। इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने पीएमएलएन का साथ दिया। तो ये जिस प्रकार से अगर फौज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती रहेगी तो फिर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ही, तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम का सलूशन पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान की फौज जो है वो बंद करे इंटरफेयर करना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलना। किसी की भी फौज, किसी की देश की भी फौज अगर वो इन्वॉल्व होती है आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं चला पाती, उसका भट्टा गोल हो जाएगा। ये समझना चाहिए ये हर एक देश को। और दूसरी बात ये है कि आप इसको इंटरफेयर करना बंद करें, आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको गवर्न करने दें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए, क्योंकि आज वाकई पाकिस्तान की हालात खराब है, वो किसी की वजह से नहीं, वो खुद की वजह से है। और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि वो एक प्रकार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उनको स्ट्रेंथन करें, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अंबर Absolutely, और ये बात दुनिया का हर देश समझा हुआ है कि जो आर्मी होती है उसका काम होता है देश की सुरक्षा करना, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि हर देश की आर्मी देश की सुरक्षा का काम करती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी देश के अंदर के जो मैटर्स है, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का काम करती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने ही अंदर, कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपने बारे में बेहतर तरह से सोच पाते हैं कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तान को, भारत से खासतौर से रिश्ते बेहतर करने के लिए। सिवाज सर, वसीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि 1965 वॉर की जब बात करते हैं तो बहुत सारे मैथ्स और बहुत सारी अधूरी जानकारियां होती हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।